गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, हमने देखा था लास्ट पीरियड में कि लेसन 8 की एक्सरसाइज, तो लेसन 8 की एक्सरसाइज हमारी लास्ट पीरियड में ही हो गई थी ऑलरेडी। पर आप लोगों को आंसर मैंने वीडियो में ही बोले थे, अगर आप लोगों का आंसर लिखना बाकी हो तो आप लोग आज ये वीडियो में मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों का आंसर नहीं हुआ है, जिसका भी आंसर नहीं हुआ है, वो यहाँ से आज के वीडियो में से इस एक्सरसाइज के आंसर देखकर अपनी बुक में लिख ले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन टू, तो उसके आंसर भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये है सेकंड क्वेश्चन के आंसर। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने ये एक्सरसाइज अपनी बुक में कर दी है तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आपके आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। और इसके बाद है क्वेश्चन थ्री, जो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये है क्वेश्चन थ्री। बच्चों, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि एक पद ने उत्तरत लिखा है, इसीलिए यहाँ पे एक पद में ही आंसर लिखे है, पर आप लोग पूरे वाक्य में भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आप लोगों को CW में अच्छी राइटिंग में इस लेसन की एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद है क्वेश्चन थ्री के बाद है क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो क्वेश्चन फोर आप लोगों को पूरे वाक्य में आंसर लिखना है सबको। और एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो में देखकर आंसर अपना चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो ये वीडियो में पॉज करके भी आप लोग आंसर ठीक से देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन फोर के आंसर है। क्वेश्चन इसके बाद है फाइव, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन फाइव भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन फाइव यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रश्न निर्माण, तो प्रश्न निर्माण आप लोगों को करना है। तो फिर से यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि पूरे वाक्य में लाइन में आंसर लिखे, तो आप लोगों को भी सेम वही देखकर लिखना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा नहीं करना है कि कह, किम, कस्याहा या केशम, ऐसा सिर्फ नहीं लिखना है, बल्कि पूरे वाक्य में आप लोगों को आंसर लिखना है। प्रश्न निर्माणम, क्वेश्चन फाइव। इसके बाद है क्वेश्चन सिक्स। ये क्वेश्चन सिक्स जो है वो भी आप लोगों को अपनी बुक में लिखना है। तो क्वेश्चन सिक्स के आंसर भी आप लोग यहाँ देख सकते हो, आपको वैसे ही अपनी बुक में भी लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन सेवन। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन सेवन, यहाँ पे मैच है, तो आप मैच में सही आंसर है वही सामने लिख दीजिए। आप अपने बुक में जब ये क्वेश्चन लिखो तब कोई लाइन नहीं खींचेगा। अपनी बुक में आप लोगों को जो आंसर सही है, केसर वर्ण के सामने शौर्यश त्यागस्य च सूचक, सही आंसर ही लिखे यहाँ पे। फिर है हरित वर्ण, तो उसका सही आंसर है सुषमाया अवतारस्य सूचक, और अशोक चक्रम, उसका आंसर है प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम्। फिर है त्रिवर्ण ध्वज, तो स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक, और त्रिवर्ण ध्वज स्वीकरणम, तो 22 जुलाई 1947 तदेव वर्षे जातम, ये सही आंसर ही सामने सामने लिखे है यहाँ पे। तो आप लोगों को भी बुक में भी वही वैसे ही लिखना है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज आप लोगों को अपनी CW में कंप्लीट कर देनी है। और हाँ, आज मैंने आप लोगों को लेसन 8, ये जो लेसन 8 हमारा त्रिवर्ण ध्वज है, उसका अनुवाद भी आप लोगों को सुबह को भेजा है, उसके फ़ोटो भी आप लोगों को मैंने भेजी है। तो आप लोग वो अनुवाद भी, ये लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए उसके बाद नए पेज से, न्यू पेज से अनुवादनम त्रिवर्ण ध्वज ऐसा हेडिंग लगा के अच्छी राइटिंग में आप लोग अपनी बुक में लिख दोगे लेसन 8 का अनुवादनम, ठीक है। अब कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में, ये लेसन के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपका होमवर्क हो जाए उसके बाद आप लोग उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों का होमवर्क
चेक कर दूँ। ठीक है, थैंक यू।